नमस्कार दोस्तों, हमारा जो आर्डिनो है नैनो वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो ब्लिंक वाला प्रोग्राम है वो चला के देखेंगे। हम इसमें एग्जाम्पल में जाएंगे, एग्जाम्पल में जाने के बाद में बेसिक वाले में जाके, और आप देखेंगे तीसरे नंबर पे है जो ब्लिंक, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसका कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और हम इस डिस्प्ले कोड किया हुआ है उसको हम इसमें राइट कर देंगे। जो तीर वाला निशान है उसमें हम इसमें राइट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोडिंग के अंदर इसका जो एलईडी का ब्लिंक करने का जो टाइमर है वो इसमें लिखा हुआ है, ये मिली सेकेंड है, 1000 मिली सेकेंड में इसको ऑन ऑफ करने का है। तो दोस्तों, इसको हमने अपलोड कर दिया है, और अपलोड होने के बाद में आपका ये जो ये आर्डिनो है उसमें पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर रखी है एलईडी इंटरनल, वो ब्लिंक करने लगेगी। यानी कि आप यहाँ से भी इसको ब्लिंक करते हो देख सकते हो, यहाँ पे पिन नंबर 13 पे भी एक एलईडी लगा के ब्लिंक करके देख सकते हो। ब्लिंक 13 नंबर पे इसलिए एलईडी लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगी हुई है, नहीं तो दूसरी पिनों पे आपको रेजिस्टेंस अलग से लगानी पड़ती है। ये मिली सेकेंड है, इसको हम कम करके देखते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं। अब देखते हैं 10 मिली सेकेंड में कितना टाइमर, कितनी देर तक हमें एलईडी ऑन ऑफ होती है। अब हम इसको वापस से अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ये तेज तेज अपलोड हो चुका है, काफ़ी तेज तेज ये ब्लिंक कर रही है। तो फ्रेंड्स, कई बार तो दिखती भी नहीं है, काफ़ी तेज ब्लिंक करी। तो दोस्तों, इसमें ये फ़ायदा है कि आप कितनी भी सेकंड को, जो मिली सेकंड है उस पर भी इसको वर्क करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसको हम शो कर देते हैं, यानी कि इसकी जो स्पीड है उसको हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस कोड को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और इस कोड को आप इसकी वेबसाइट पे जाके और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और इसके अंदर इसका डायग्राम वगैरह भी सब कुछ दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कितनी तेज तेज ये करती है, यानी ब्लिंक करती है। अपलोड हो चुका है प्रोग्राम इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम इसको इस पर अलग से एलईडी भी लगा के देखते हैं कि एलईडी कैसे काम करती है। दोस्तों, इसके बाहर एक और एलईडी जोड़ने के लिए हमने जंपर वायर लिए हैं, फीमेल टू फीमेल जंपर वायर लिए हैं। एक को हम ग्राउंड पे लगा देंगे, आप ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड ले लिया है हमने, और दूसरा पिन नंबर 13 पे जोड़ना है, जो कि इसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो हमें अलग से रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिन नंबर 13 पे ही आपको मिलेगी। अब चलो हम इस प्रोग्राम को ऑन करते हैं, यानी कि इस पर जो एलईडी लगी हुई है आर्डिनो को सप्लाई करते हैं। सप्लाई करते ही हमारा प्रोग्राम इसके अंदर चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 100 मिली सेकेंड वाला हमने प्रोग्राम डाला था, वो इसमें रन कर रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी सटीक काम करता है, और ये कभी भी अब 5 वोल्ट पे चलता है तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है कोड को राइट करने में। और ये सिर्फ कोड को राइट ही नहीं करता, उसको पूरी प्रॉपर तरीके से फंक्शन ही नहीं करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जो दूसरा वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको एनालॉग और डिजिटल को कैसे इसके अंदर रन करा सकते हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे।